Welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT, UGC, NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स. सो फ्रेंड्स, टुडेस वीडियो गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं. मीन मीडियन मोड क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या होता है. मेनली ये आप स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं कि जब भी रिसर्चर को अपना यहाँ पे रिजल्ट निकालना होता है तो वो देखता है कि वहाँ पे क्या उसका रिजल्ट कितना वैलिड निकला और क्या उसका वो रिप्रेजेंट करता है इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करके. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने वीडियो में सीखा था, इससे पहले भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाए जिसके अंदर हम फिडुशियरी लिमिट कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, इसके अंदर क्या हम मेजर कर रहे थे. तो उसमें हम जितना भी देख रहे थे तो सारे के सारे जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे थे यानी कि जो भी यहाँ पे डेटा सेट की वैल्यू निकल कर आ रही थी उनका मीन निकाल रहे थे और देख रहे थे कि हमारा मीन किधर किस पोजिशन में लाई करेगा. तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी हम यहाँ पे यूज करते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये आपको बताता है आपकी जो डेटा सेट की वैल्यू है कितनी डिस्पर्स्ड है और ये कितना आपका जो मीन निकल कर आ रहा है अपनी वैल्यू का. अब जैसे कि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते थे तो हम किसके बेसिस पे निकालते थे, कि सैंपल के बेसिस पे, कि सैंपल का जो मीन है वो कितना, जो हमारे डेटा सेट की वैल्यू है वो कितना मीन से डेविएट करेगा. तो इन सब के लिए हमें इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि जब भी हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमें लगाते हैं अपने रिजल्ट को यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए और उसे डिफाइन करने के लिए. और फ्रेंड्स, ये जो हमारी जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप देख सकते हो, मीन, मीडियन, मोड, ये आपके आते हैं कि जब आप डेटा को अपने डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे इन सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स को और इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं. तो आइए आज हम इस वीडियो के थ्रू सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और अपने गोल JRF को 100% अचीव करें. सो फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आप वहाँ से ज्वाइन करते हैं तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो कि जनरली एग्जाम में, हमारे एजुकेशन नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू जॉइन दैट मस्ट. सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो फ्रेंड्स, बिफोर अंडरस्टैंडिंग वट इज मीन, मीडियन, मोड, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट वट इज सेंट्रल टेंडेंसी. सो फ्रेंड्स, जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक तरह का हमारा स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है एक सिंगल वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है जो कि हमारी एंटायर पॉपुलेशन का, एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. अब फ्रेंड्स, जो भी हम यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं ये हम तीन फॉर्म में निकालते हैं. या तो हम मीन निकालें. मीन क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सैंपल है, जो हमारे पास डेटा सेट की वैल्यू है उसको हम जब मीन निकालते हैं तो वो एक सिंगल वैल्यू निकल कर आती है. ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन भी निकालते हैं कुछ केसेस में. मीडियन क्यों निकालते हैं, ऐसे केसेस में कि जब हमारा मीन यहाँ पे वैलिड नहीं होता. अब फ्रेंड्स, कई सारी कंडीशंस हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि जब भी हम मीन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डेटा सेट की वैल्यू है उसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एक सिंगल वैल्यू निकल कर आती है जो कि हमारी एंटायर पॉपुलेशन को, एंटायर जो डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. लेकिन मीन हमारा तभी वैलिड होता है कि जब यहाँ पे कंडीशंस है. क्या कंडीशंस है, मीन हम एक से ज्यादा, मतलब एक सर्टन तरीके से निकाल सकते हैं. अगर इतनी सारी वैल्यूज है हम सबका मीन निकाल के बैठेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा. तो मीन जब यहाँ पे काम नहीं कर पाता तो हम यहाँ पे मीडियन की तरफ लेकर आते हैं. जब मीन यहाँ पे इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर हमारे डेटा सेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो भी ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि आप कितना मीन निकालने बैठोगे सारे के सारे वैल्यूज का, कितना मीन निकालेंगे सारे के सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाता है. अगर यहाँ पे मीन उनका भी निकाल सकते, अगर हम यहाँ पे ना ज्यादा बड़े सैंपल का निकाल सकते ना ज्यादा छोटे सैंपल का निकाल सकते, इसकी लिमिटेशन होती है. छोटे का निकालेंगे तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट निकल के नहीं आएगी, आपका एरर आएगा. तभी एक ना फ्रेंड्स एक रिलेशनशिप होता है
ये आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि एक सैंपल का एरर किस किस तरीके से होता है, कि यानी कि जब यहाँ पे हमारा सैंपल है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, और इसके साथ साथ यहाँ पे सैंपल एरर को रिमूव करना है, तो हमें यहाँ पे अपने या यहाँ पे सैंपल की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल हमारे यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी, एक रिलेशनशिप होता है, एरर कम करना है तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ सैंपल हमारा होना चाहिए, तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी तरह से मीन हमेशा कारगर साबित नहीं होता, तब जाके एक नई सिचुएशन आती है हमारे सामने जो है मीडियन। मीडियन होता है फ्रेंड्स जो कि आपको एक सेंट्रल वैल्यू निकाल के देता है, मिड वैल्यू निकाल के देता है। और फ्रेंड्स हम जितने भी यहाँ पे फ्यूडिशरी लिमिट पढ़ रहे थे, हम लास्ट क्लास में देखा फ्यूडिशरी लिमिट पढ़ रहे थे, तो हम उस पर देख रहे थे कि हमारा जो मीन है वो किस तरफ आएगा, मतलब किस तरफ वो लाई करेगा, कितने से कितने इंटरवल में लाई करेगा। तो इसी तरह से जो मीडियन में हम क्या करते हैं, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू को देखकर उसको हम मेजर करते हैं, देखते हैं कि हमारा किस तरफ हमारा रिजल्ट निकल कर आ सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्यों निकाल रहे हैं सैटरडे सी, ताकि हम अपने यहाँ पे देख सकें कि हमारा जो डेटा है वो कितना डिस्पर्स्ड है, किस तरफ वो जा रहा है हमारा डेटा, मतलब कितना हमारा जो डेटा है वो कितना यहाँ पे डिस्पर्स्ड कर रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी अब देख लेते हैं यहाँ पे, और मोड क्या है, मोड यहाँ पे क्यों निकालते हैं, मतलब जो यहाँ पे जो वैल्यू है अगर वो रेकरिंग है, मतलब बार बार वो रिपीट हो रही है, तो यानी कि हमारा वही रिजल्ट निकल कर आएगा। अब फ्रेंड्स इसको हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स सेंट्रल टेंडेंसी हमारे डिफाइन करती है एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेजर जो आइडेंटिफाई करता है एक सिंगल वैल्यू को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारी एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डेटा सेट्स की जो जितनी वैल्यू है वो आपको बताता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा एम होता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन को, जो कि पूरे एंटायर डेटा को बताता है एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में। और जो सिंगल वैल्यू होती है हमारी वो मोस्ट ही टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव होती है हमारे पूरे के पूरे जो हमने डेटा कलेक्ट किया होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे टर्म एक नंबर क्रंचिंग यूज होती है। फ्रेंड्स नंबर क्रंचिंग क्या है, नंबर क्रंचिंग को हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कि हमारे डेटा डिस्क्रिप्शन के एक्सपेक्ट को यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहा होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे तीन कॉमनली तरीके से हम यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी हमारी मेजर करते हैं कि मीन मीडियन और मोड के थ्रू। और फ्रेंड्स सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी हमारा एक डिस्क्रिप्टिव समरी है, एक डिस्क्रिप्टिव समरी है ऑफ अ डेटा सेट, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव समरी है हमारे डेटा सेट की जो कि हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे वैल्यूज को यहाँ पे डिस्क्राइब करके लेकर आ रहा है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी एक डिस्क्रिप्टिव समरी है डेटा सेट की थ्रू अ सिंगल वैल्यू जो कि रिफ्लेक्ट करता है सेंटर ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है फ्रेंड्स। और अलॉन्ग विद द वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा सेट सेंट्रल टेंडेंसी इज अ ब्रांच ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, यानी कि डिस्पर्जन को यहाँ पे बताता है, डिस्पर्जन कितना बिखराव है, कितना बिखराव है आपके डेटा सेट के वैल्यू में, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल टेंडेंसी तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो डेटा को तीन तरीके से हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, अपने डेटा सेट्स की वैल्यू के अंदर कितना डिस्पर्जन है उसे तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं, मीन मीडियन और मोड। अब फ्रेंड्स बारी आती है इनको अलग अलग देखने की कि हम यहाँ पे मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड क्या होता है। फ्रेंड्स सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डेटा सेट को जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं तीन मेजर के थ्रू, एक होता है हमारा मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड। अब फ्रेंड्स मीन तो आप सबने निकाला होगा, कब से निकाल रहे जब से हम छोटे थे, मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है, कि जिसके अंदर हम यहाँ पे मीन निकालते हैं कि हमारी जो टोटल वैल्यूज होती है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब एग्जाम्पल है यहाँ पे, यहाँ पे टू थ्री फाइव प्लस सिक्स, ये आपकी वैल्यूज है, ठीक है, टू थ्री फाइव सिक्स। अब आप क्या करते हो मीन निकालने के लिए, इन सब वैल्यूज का एग्रीगेट करते हो, मतलब इन सबको आप प्लस करते हो, फिर बाद में जाके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हो, कितनी है, चार ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ठीक है, सिक्सटीन यहाँ पे आपका आया, सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फोर यानी कि फोर, तो फोर हमारा यहाँ पे मीन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मीन निकालते हैं कि आप रिप्रेजेंट क्या करते हो, सम ऑफ द ऑल वैल्यूज को जो डेटा सेट में है उसको आप डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से।
फ्रेंड्स ये जो स्टेट्स का क्वेश्चन है ना, ये आपका ये पीएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है कि मीन कैसे निकालते हैं, आपको वैल्यूज दे देगा, वैल्यूज देने के बाद आपसे पूछेगा मीन। अब मीडियन क्या होता है? अब फ्रेंड्स यहाँ पे मीडियन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, यहीं पे इसको इरेज करके बता देती हूँ, मीन समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे मीडियन क्या होता है? सो फ्रेंड्स मीडियन हमारा ना मिडल वैल्यू होता है, ठीक है। मीडियन को क्या कहते हैं? मिडल वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पे जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। अब देखो मीडियन क्या है? मिड वैल्यू है डेटा सेट में जो कि अरेंज होता है असेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे क्या करते हो आप? जो वैल्यूज आपको दी होती है, आपका सबसे पहले काम होता है कि आप उन सब वैल्यूज को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, मतलब बड़े से छोटे में लिखे, छोटे बड़े से छोटे क्रम में लिखे। और जब आप यहाँ पे देखोगे इस जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको आप क्या करते हो? देखते हो कि अगर कितना कितना पोर्शन हमारा डिवाइडेड है। यहाँ पे हमेशा ही मिड वैल्यू देखते हो, बीच की वैल्यू देते हो। अगर मान लो यही आप एग्जाम्पल देख लो, आपको ये वैल्यूज दी हुई है डेटा सेट की 65, 55, 89, 56, 35, 14, 56, 55, 87, 45 और 92। अब आप क्या करते हो ऑड केस में, अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड नंबर में दी हुई है, ऑड संख्या है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी ऑड है, यानी कि यहाँ पे 11 आप देख सकते हो, 11 है। तो यहाँ पे आप ना जो मिड वैल्यू देखते हो वो आप देखते हो, सबसे पहले आपका अरेंज करो इसको, बड़े से छोटे में लेकर आओ, ठीक है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फिर बाद में इसका मिड वैल्यू कैसे करोगे, यहाँ पे देख सकते हो टोटल 5 इस साइड डिजिट है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड डिजिट है और 5 इस साइड डिजिट है। तो आप जनरली आप मिड वैल्यू ले लेते, यानी कि 56 इसके मिड वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन कुछ ऐसे केस में कि जब आपका इवन केस हो, मतलब इवन के केस में, यानी कि आपकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो इवन हो, यानी कि 10 हो, 12 हो, 14 हो, तो आप क्या करोगे उस केस में? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे वैल्यूज को अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंज करेंगे उसे स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में आप करेंगे। फिर बाद में जाके आप क्या करेंगे, जो दो वैल्यूज होती है इसमें ना फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, दो वैल्यूज होती है यानी कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है इवन के केस में। आप क्या करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे, जो आपकी दो वैल्यूज निकल कर आती है, एक फिफ्थ और सिक्स्थ इवन के केस में, ठीक है, इवन के केस में आपकी दो वैल्यूज निकल कर आती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे कितनी थी, 10 थी, लेकिन जब भी हम यहाँ पे मिड वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे 56 और 55 और 56 करते हैं, और बाद में जाके जब आप इनको प्लस करेंगे, इसका आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका यहाँ पे मीडियन निकल कर आता है। ये उस केस में है कि जब आप यहाँ पे वैल्यूज है वो इवन में है, लेकिन जो ऑड में आप यहाँ पे सिंपली आप उसको हाफ ऑफ डिवाइड करेंगे, जो सेंट्रल वैल्यू जो बीच की वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन निकल कर आ जाता है। अब फ्रेंड्स इस डेफिनेशन देख लो, मीडियन क्या है? मीडियन वैल्यू है जो डेटा सेट में सबसे पहले आप क्या करते हो, अरेंज करते हो उसे असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। फिर आप क्या करते हो, डेटा सेट के अंदर अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती है तो आप मीडियन कैसे निकालते हो डेटा सेट का, आप क्या करते हो मीन ऑफ द टू मिडल वैल्यूज, तो दो मिडल वैल्यूज का आप मीन निकालते हैं। और मीडियन क्या होता है, मीडियन मिडल स्कोर होता है किसी भी सेट ऑफ डेटा का जो कि अरेंज होता है इन ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड, ये हमारा मीडियन हो गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है मोड। सो फ्रेंड्स जो हमारा मोड होता है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होता है। अगर आपके डेटा सेट, आपको यही डेटा सेट दिया हुआ है, आप इसमें देखोगे मोस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो बार बार रिपीट कौन सी हो रही है इसमें, 56 यहाँ पे हो रही है, 55 हो रही है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रही है इसमें, तो इसमें देखोगे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है तो वो हमारी क्या होती है, वो मोड होता है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट। इन सम केसेस डेटा सेट में कंटेन मल्टीपल मोड्स व्हाइल सम डेटा सेट में नॉट हैव एनी मोड एट ऑल। ये ना वेरी करता है डेटा सेट्स की वैल्यूज के ऊपर कि अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा भी आपके मोड हो सकते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा अकरिंग वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपको ये वाला केस है 56 में मोस्ट अकरिंग है, 55 भी मोस्ट अकरिंग है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे मोस्ट अकरिंग वैल्यूज होती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेजर करना पड़ता है स्टैंडर्ड डेंसिटी को, और सबसे बेस्ट और सबसे सबसे गुड जो देखा जाता है
सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना वो मीन के थ्रू किया जाता है. जब भी आप मीन निकालते हो, मीन आपका एक्यूरेट रिजल्ट निकल कर आता है, तो ये हम यूज करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में. ये कंडीशन होती है. अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो सिलेक्शन होता है वो आपका डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज पे डेटा सेट की, कि डेटा सेट की क्या प्रॉपर्टीज है. और इसके अंदर मोड क्या होता है. फॉर इंस्टेंस, मोड इज ओनली दी सेंट्रल टेंडेंसी जो कि मेजर करता है कैटेगोरियल डेटा. ठीक है, मोड सिर्फ और सिर्फ कैटेगोरियल डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पे जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो हमेशा ही डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज को, डेटा सेट के ऊपर की जो प्रॉपर्टीज होती है. और जबकि जो मीडियन वर्क करता है वो ऑर्डिनल डेटा में वर्क करता है. ठीक है, ऑर्डिनल डेटा में वर्क करता है. ठीक है. और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आप मीन मीडियन मोड को सेंट्रल टेंडेंसी ग्राफ के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमारे आने वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो डेटा सेट की वैल्यू है वो कितनी डिस्पर्स्ड है, कितनी बिखराव है उसके अंदर, और हम देखते हैं कि वो जो वैल्यूज है वो कितनी किस जगह लाए करती है. और यहाँ पे जो हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करके देखते हैं तो देखते हैं कि मीन किसका ज़्यादा है, मोड किसका ज़्यादा है. अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेजर कैसे करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, वो तीन तरीके से मीन मीडियन मोड निकालते हैं. और आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे ग्राफ के फॉर्म में. और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हम जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आइडेंटिफाइड करते हैं यूजिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. अब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फ्रेंड्स, इसके अंदर जब आपकी जो डेटा सेट की वैल्यू मतलब मीन मीडियन मोड आपकी इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यहाँ पे लिखा होता है कि जब हमारा मीन मीडियन मोड सेम स्पॉट पर आ जाए, ठीक है, तो वो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिचुएशन को अटेन कर लेता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन को अटेन कर लेता है. फ्रेंड्स, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सीखा था, एनपीसी सीखा था, उसमें हम क्या देख रहे थे, वहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जब हमारा तीनों मीन मीडियन मोड इन सबकी वैल्यूज इक्वल हो जाए, ठीक है, मीन मीडियन और मोड सबकी वैल्यूज इक्वल हो जाए तो ये हमारा ना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की सिचुएशन को अटेन कर लेता है, एनपीसी को ये अटेन कर लेता है. तो वही आपको इस ग्राफ के थ्रू बताएं. अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं कि पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्क्यूनेस होता है ना, स्क्यूनेस को हम कहते हैं कि यहाँ पे किस तरफ आपका जो वैल्यूज है उसका किस तरफ झुकाव है, किस तरफ झुका हुआ है आपका जो डिस्पर्जन, किस तरफ झुका हुआ है. अगर यहाँ पे आपका जो मीन है वो ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू मीडियन और मोड, तो हम कहते हैं कि हमारा जो डेटा है ना वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब पॉजिटिव तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है. लेकिन यहाँ पे अगर आपका जो डेटा का जो डिस्पर्जन है, डेटा सेट की वैल्यू का जो डिस्पर्जन है, वो उसका झुकाव यानी उसकी स्क्यूनेस आपकी नेगेटिव की तरफ जा रही है, कब जाएगी, कि जब आपका मीन कम होगा. मीन की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, मीन की ही यहाँ पे फॉर्म में देखते हैं. अगर मीन यहाँ पे लेस देन मीडियन और लेस देन मोड होगा, लेस देन मीडियन और लेस देन मोड होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा ये नेगेटिवली स्क्यूड है. लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है कि जब हमारा यहाँ पे मीन ज्यादा है मीडियन से और मोड दोनों से, तो ये हमारा जो डेटा है वो क्या है, वो वहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिविटी की तरफ झुका हुआ है. फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. अभी हम ये देख लेते हैं मीन आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं. और फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला है एक्स बार, यानी कि मीन जब हम निकालते हैं. फ्रेंड्स, ये ना हमारे जब भी हम जेड स्कोर निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर हम यहाँ पे स्कोर का माइनस करते हैं अपनी मीन से और यहाँ पे डिवाइड करते हैं बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वही वाला मीन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि मीन क्या है, कैसे निकालते हैं, कि जब आप टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का एग्रीगेट करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, ठीक है. मीन क्या है, एवरेज भी कहते हैं जिसको, और अर्थमेटिक मीन जिसको कहते हैं. ये काफ़ी पॉपुलर है और हमेशा ही यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. और ये दोनों की तरफ यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रीट के लिए भी और कॉन्टिन्यूस डेटा. डिस्क्रीट डेटा क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो चर है, मतलब जो कि स्थिर है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये वाले जो आपकी वैल्यूज होती है, जो कि डिस्क्रीट है
और जो कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जो कि पॉइंट में वैल्यूज होती है, ठीक है, जो पॉइंट्स में बढ़ती रहती है, जैसे कि 0.5, 2.5, तो ये हमारे डिस्क्रीट दोनों के लिए ये हमारा सबसे परफेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि कैसे हम मीन निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा 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 क्या होता है कि टोटल वैल्यूज का जब एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मीडियन क्या है, मीडियन क्या है फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया था कि मीडियन क्या है, मिडल स्कोर होता है हमारे डेटा सेट की वैल्यू का, मिडल स्कोर होता है हमारे पूरे के पूरे डेटा सेट का, पूरे के पूरे वैल्यूज का एक मिडल स्कोर होता है, जिसको हम अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के में अरेंज करते हैं। मतलब अगर आपको ऑड नंबर ऑफ केस होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इजिली हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जो मिड वैल्यू निकल कर आती है तो वही हमारा मिड स्कोर होता है, मिड वैल्यू होती है। लेकिन इवन के केस में क्या करते हैं, इवन के केस में आप यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल, मतलब जो दो आपका होता है, टू वैल्यूज होती है बीच की, यहाँ पे देख सकते हैं टू वैल्यूज होती है, यानी कि फिफ्थ और सिक्स स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसको आप डिवाइड करके फिर हमारा मीडियन निकल कर आता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है इवन के केस में, इवन के केस में एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि कैसे निकालते हैं हम इसको, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे मोड क्या होता है, मोड हमारा जैसे आपको बताया मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो होती है, जो कि हमारे डेटा सेट के अंदर आती है, बार बार वो रिपीट होती है, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी बार बार रिपीट होती है हम उसी वैल्यू को लेकर करते हैं, और वही हमारे पूरे के पूरे डेटा सेट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये आपको ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारी बारी आती है स्क्यूनेस की, स्क्यूनेस हमने यहाँ पे पढ़ा क्या था, स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस हमारा रेफर करता है डिस्टॉर्शन और असिमेट्री, डिस्टॉर्शन और असिमेट्री को बता रहा है, जो कि डेविएट करता है फ्रॉम अ सिमेट्रिकल बैक कर्व। अगर हमारा डेटा सिमेट्रिकल ना होकर इसके अंदर डिस्पर्जन है, इसके अंदर डिस्टॉर्शन है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में क्या था फ्रेंड्स, एनपीसी में क्या था कि जब यहाँ पे हमारा सिमेट्रिकल कंडीशन थी, कि जब हमारा मीन मीडियन मोड इक्वल था, मीन भी था मीडियन भी था और मोड था, ये तीनों की तीनों चीजें थी जो हमारी इक्वल थी, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन जब हमारा यहाँ पे अगर यहाँ पे वेरी करता है, अगर ये यहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे स्क्यूनेस से उसको डिफाइन करते हैं कि कितना हमारा डेटा स्क्यूड है, ठीक है। इस कर्व में हमारा जो जो डेटा सेट्स की जो वैल्यूज होती है ना फ्रेंड्स, वो हमारी एक शिफ्ट होती है, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, जिसको हम स्क्यूनेस कह रहे हैं। स्क्यूनेस को हम यहाँ पे क्वांटिफाइड कर सकते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कितनी एक्सटेंट तक जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना हमारा जो डेटा है वो ये डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इसको हम स्क्यूनेस से डिफाइन करते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स स्क्यूनेस की, स्क्यूनेस क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स है, डिग्री ऑफ असिमेट्री है जो कि ऑब्जर्व करते हैं हम किसमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमारा एक एग्जिबिट करता है राइट और पॉजिटिव, राइट को अगर राइट की तरफ झुका हुआ है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड हमें बताता है। अगर हमारा यहाँ पे डेटा है जो वैल्यूज है उसकी नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ डिस्टॉर्ड है, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो सिचुएशन है उससे वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डिस्टॉर्ड कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूनेस टू वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, बेल कर्व जो कि एग्जिबिट करता है जीरो स्क्यूनेस, ठीक है, जीरो स्क्यूनेस, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ना फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे स्क्यूनेस में और कर्टोसिस में क्या डिफरेंस होता है, तो फ्रेंड्स कर्टोसिस को आगे पढ़ेंगे, उससे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ना जो डेटा कितना द कर्व कितना डिस्ट्रीब्यूट है, कितना डिस्टर्ब है। अगर यहाँ पे जो डेटा है राइट साइड पे होता है और यहाँ पे जो कर्व है वो क्या करता है, कर्व यहाँ पे टेपर करता है डिफरेंटली फ्रॉम द डेटा ऑन द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे टेपरिंग कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ना इसके टेल कहते हैं कि टेल किस साइड पर है, ठीक है, टेपरिंग किस साइड पर है, टेल किस साइड पर है, तो इस तरफ से अगर इसकी जो पूंछ है यानी कि जो टेल है ये हमारी नेगेटिव की तरफ जाएगी तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर यहाँ पे जो टेल है हमारी वो हमारी
किसकी तरफ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी पॉजिटिवली स्क्यूड है, इस तरीके से हम मेजर करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है, आप मीन से, सिंपली आप मीन से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब मेरा मीन नेगेटिव की तरफ है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड लेफ्ट लेफ्ट साइड की तरफ है, तो लेकिन अगर मेरा जो मीन है वो पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है, राइट साइड पर है, तो वो मेरा पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी कि इसकी पूंछ इस साइड है, इसकी टेल इस साइड है, टैपरिंग इस साइड है, तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो मीन होता है पॉजिटिवली स्क्यूड का, वो हमेशा ही ग्रेटर होता है मीडियन से। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड का जो मीन है वो हमेशा ही ग्रेटर होता है मीडियन से। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो वो एग्जैक्ट ही अपोजिट केस होता है। ठीक है, और ये आपको समझ आया होगा कि कैसे, आपको बताया, और हम ग्राफ के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे वैल्यूज लिख देती हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव में क्या होता है। नेगेटिव में जब हमारा मीन है वो क्या है, कम है, मीन हमारा कम है मीडियन से और भी कम है हमारा मोड से। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है, ये मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में भी लिख दिया था, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता है कि जब मेरा जो मीडियन है, जो मेरा मीन है, मीन है वो मेरा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू मीडियन, ऑल्सो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू मोड, तो ये हम देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे हम करते हैं, इसका निकालते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुछ फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जो स्क्यूनेस को जो मेजर करने का ना, जो पियर्सन है उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया था, कार्ल पियर्सन थे, उन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया था, कार्ल पियर्सन ने स्क्यूनेस हमें यहाँ पे दिया था कि कैसे हम यहाँ पे अपने डेटा सेट में डिस्टॉर्शन को मेजर कर सकते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के कंपेयर करके। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था कार्ल पियर्सन ने, और यहाँ पे ना दो तरीके के फॉर्मूले इन्होंने दिए थे, दो तरह की कंडीशन दी थी। पियर्सन ने फर्स्ट कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस दिया था, मतलब ये क्या कैसे निकालते हैं, स्क्यूनेस फर्स्ट होता है कि जब हमारा मीन को हम यहाँ पे माइनस कर दें मोडल से, मोड वैल्यू से, और उसे डिवाइड कर दें बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल से। और यहाँ पे जो पियर्सन का जो सेकेंड कोफिशियंट ऑफ द कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस है, ये हम तब यहाँ पे यूज करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे थ्री मीन माइनस यहाँ पे मीडियन, मिड वैल्यू, और जिसको हम डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। फ्रेंड्स यहाँ पे ना कंडीशन है, पियर्सन का फर्स्ट कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा तब यूजफुल होता है कि जब हमारा डेटा एग्जिबिट करता है स्ट्रांग मोड को अगर यहाँ पे एग्जिबिट कर रहा है, यानी कि मोड ज्यादा है तो उसको यहाँ पे अगर वो एग्जिबिट कर रहा है, तो हम यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं पियर्सन का, यानी कि मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जब पियर्सन का सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम कब यूज करते हैं, तब यूज करते हैं कि जब हमारा यहाँ पे इट डजंट रिलाई ऑन मोड एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जब वो मोड पे रिलाई नहीं करता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मीडियन, मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, दो तरीके के फॉर्मूला दिए थे पियर्सन ने। फ्रेंड्स ये आपको कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको पता होना चाहिए क्योंकि आपका पेपर वन के साथ डील करता है, ज्यादा से ज्यादा मोस्टली पेपर वन के अंदर आता है, आपको स्टैटिस्टिक के पोर्शन में देखने को मिलेगा। रिसर्च के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बताता है कि किस तरफ नेगेटिव स्क्यूड है, किस तरफ पॉजिटिव स्क्यूड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपकी जो मीन कम है, तो मीन यहाँ पे कम आ रही है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से, कि कंडीशन से कम आ रहा है, तो आप बता सकते हो नेगेटिवली स्क्यूड है। और कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला मैचिंग के फॉर्म में आपको आ जाता है, जनरली ये कॉमर्स के उसमें आते हैं, फील्ड में ये पूछे जाते हैं, एजुकेशन में अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है, लेकिन ये पेपर वन के अंदर आ सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है, तो इसको याद करना है। और कब कब कंडीशन यूज होती है वो भी आपको देखना है, कंडीशन मैंने नोट के फॉर्म में लिख दी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए, और ये जो मुश्किल मुश्किल टर्म्स है ना, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, तो ये सीख पाए, क्योंकि फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पीएचडी में एनरोल होते हैं, तो वहाँ पे जो आपका यहाँ पे वैल्यूज कब कटोसिस यूज करते हैं, कब स्क्यूनेस को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए जब भी हम अपने यहाँ पे एनालिसिस करते हैं डेटा का, तो ये यहाँ पे यूज होता है काफी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स कटोसिस क्या है,
कर्टोसिस अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्टोसिस एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि डिफाइन करता है कि हाउ हेवली द टेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर करती है फ्रॉम द टेल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रेंड्स वहां पे तो हम देख रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से वो क्या कर रहा है, वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। सिंपल सिंपल हम स्क्यूनेस देख रहे थे, लेकिन कर्टोसिस करता है कितना हैवली वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, कितना भार है उसके अंदर, कितना हैवली वो हमारी टेल है। ठीक है, टेल हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टॉर्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्रेंड्स अदर वर्ड्स में देखा जाए कर्टोसिस क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है वेदर द टेल ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन एक्सट्रीम वैल्यूज, कि कितनी हैवीनेस है उसके अंदर, डिस्पर्शन में कितनी हैवीनेस है, तो वो वहाँ पे कर्टोसिस के थ्रू वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अलॉन्ग विद स्क्यूनेस कर्टोसिस क्या है, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है दोनों कॉन्सेप्ट में। स्क्यूनेस क्या करता है, असेंशली मेजर करता है सिमिट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, सिमिट्री दर्शाता है। ठीक है, सिमिट्री बताता है आपका कि किस तरफ यहाँ पे झुकाव है, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे। लेकिन जो कर्टोसिस है हमारा, ये हमें डिटरमाइन करता है हैवीनेस को। ठीक है, कितना भार है उसके टेल में, कितना भार है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन में, कितना वो हैवीनेस है, तो ये हमें कर्टोसिस बता रहा है। और फ्रेंड्स ये जो ना जो आपका कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ये गलत है, आपको ऐसे बनाना होता है। ये मैंने यहाँ पे ली थी एक रिसर्च पेपर में, तो वहाँ पे चिपका रखा था, लेकिन असली में ये आपका चिपकता नहीं है। जैसे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आप लगाते हैं ना, उसे मेंटेन करते हो, तो ये असिम्प्टोमेटिक होता है कि कभी भी इट्स नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, कभी भी एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये असिम्प्टोमेटिक होता है, यहाँ पे टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यही आप ऐसे इसको क्रिएट करते हो, ऐसे बनाते हो कर्टोसिस को भी जब भी आप डिफाइन करते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे कर्टोसिस को पता चल गया हैवीनेस कितनी है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन के टेल्स के अंदर हैवीनेस है। और फ्रेंड्स जो कर्टोसिस है ना हमारा, इसका ना फॉर्मूला ये होता है, इस किस तरह से आप मेजर करते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करते हो, एक्स क्या है, एक्स आई क्या है, यानी कि स्कोर जो है हमारा डेटा सेट, और उसको आप माइनस करते हो उसके मीन से, और एस क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन क्या है आपका सैंपल साइज, टोटल सैंपल साइज होता है, और इसको आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको आप डिवाइड करते हो एस फोर से, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फोर, ठीक है, क्वाड्रल जो आप निकालते हो, ऐसे आप डिनोट करते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि आपका हैवीनेस के ऊपर आपके तीन तरीके की वैल्यूज निकल कर आती है, और तीन तरीके की आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि लैपटॉप कर्टिक क्या है, मीजो कर्टिक क्या है, और प्लेटी कर्टिक क्या है। सो फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं, यहाँ पे कितना आपका जो हैवी है डेटा, कितना डेटा हैवी है, उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यूज को मेजर करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये देखो, ये सबसे अच्छा ग्राफ बना हुआ है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, ये गुड है। ठीक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेजर क्या कर रहा है कर्टोसिस, शार्पनेस ऑफ द पीक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, शार्पनेस ऑफ द पीक मतलब कितना पीक पर है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको आप कर्व के थ्रू यहाँ पे मेजर करते हैं, कितना आपका जो शार्पनेस आ रही है, पीक कितनी आ रही है, कितनी ऊंचाई पर आपका डेटा आ रहा है, कितना हैवी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे तीन तरीके के होता है, एक होता है लेप्टोक्रिटिक, एक होता है मीजोक्रिटिक, और होता है प्लेटिक्रिटिक। प्लेटिक्रिटिक सबसे चपटा होता है जो कि थर्ड स्टेज पर होता है सी, ठीक है, और यहाँ पे मेजोक्रिटिक क्या होता है, मेजोक्रिटिक यानी कि बीच का, मेजो, ठीक है, और यहाँ पे लेप्टोक्रिटिक हमेशा ही पीक पर होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना जो सबसे ज्यादा ही पीक पर वैल्यूज निकल कर आती है, यानी कि एरर आने के चांसेस उतने ही होते हैं, ये हम मेनली स्टैटिस्टिकल यूज करते हैं कि जब इन्हें फाइनेंस के या मैनेजमेंट में अपना रिस्क मेजर करना होता है कि रिस्क कितना है, अगर उनका जो डेटा सेट का जो डिस्पर्शन है पीक पर है, हैवी है, तो वो क्या है, यानी कि रिस्क आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। लेकिन अगर कम है, यानी कि प्लेटी है, तो उतना ही कम होता है रिस्क आने के चांसेस। ये मेनली हमारे फाइनेंस और मैनेजमेंट के जो स्टैटिस्टिकल्स हैं वो यूज़ करते हैं कि अपने जो बिजनेस में कितना लॉस है, कितना उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे देखो, ये जो मेजर करते हैं कर्टोसिस को, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा स्क्वायर से,
इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा स्क्वायर क्या होता है हमारा थर्ड तीन के इक्वल होता है. बीटा टू क्या होता है अगर ग्रेटर देन थ्री है, अगर बीटा टू ग्रेटर देन थ्री है, ये देख सकते हो ग्रेटर देन थ्री है, तो क्या है कर्व इज मोर पीक्ड एंड इट्स नेम एज लेप्टोकर्टिक. लेप्टोकर्टिक व्हेन योर बीटा वैल्यू, व्हेन योर बीटा क्या है, अगर ये पीक पर है तो ठीक है, अगर ये पीक पर है तो इसका मतलब है ये लेप्टोक्रेटिक है. लेकिन अगर बीटा की जो वैल्यू है लेस देन थ्री है तो ये प्लैटी है. ठीक है, लेस देन थ्री है तो ये प्लैटी है. ठीक है, और अगर आप जो कि फ्लैटर है, फ्लैटर है पतला है चपटा है. ठीक है, और यहाँ पे अगर जो बी है वो इक्वल टू थ्री है, बी अगर इक्वल टू थ्री है तो फ्रेंड्स ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली वैल्यू है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अटेन करता है मेसोक्रेटिक. मेसोक्रेटिक ठीक है, मेसोक्रेटिक कर्व, मेसोक्रेटिक कर्व जिसको हम कह रहे हैं. फ्रेंड्स ये जो हमें फिशर ने दिया था कर्टोसिस को कैसे मेजर करते हैं, कर्टोसिस ने दिया था हमें फिश जो हमारे ये जो फॉर्मूला था कि कैसे हम मेजर करते हैं कि कितना हमारा शार्पनेस है पीक की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ना फिशर ने इंट्रोड्यूस किया था नोटेशन ग्रीक लेटर गामा जिसको हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इन द केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा गामा टू होता है ना वो जीरो होता है. ठीक है, गामा टू होता है हमारा जीरो होता है. और फ्रेंड्स ये जो गामा क्या है, गामा गामा ये हमें बता रहा है जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू को डिफाइन कर रहा है जिसके अंदर हमारा जीरो होता है वैल्यू, कि जब अब आपका जो मीन है मीडियन मोड है वो इक्वल पोजीशन को अटेन कर लेते हैं तो जीरो निकल कर आता है. ठीक है, लेकिन जब गामा हमारा यहाँ पे मोर देन जीरो है तो वो हमारा पॉजिटिव की तरफ आता है जो कि कर्व लिप्टोक्रेटिक बनता है. मोर देन जीरो लिप्टोक्रेटिक होता है और लेस देन जीरो हमारा सॉरी लेस देन जीरो हमारा प्लैटिक्रेटिक होता है जो कि हमारा नेगेटिव की तरफ जा रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा लिप्टोक्रेटिक और मेसोक्रेटिक प्लैटिक्रेटिक क्या है और हम क्यों मेजर करते हैं कर्टोसिस की. जब हमें यहाँ पे शार्पनेस निकालनी होती है कितनी जो हमारा डेटा सेट की जो वैल्यू है पीक पर है, ठीक है, कितना हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू हम मेजर करते हैं कि हमारी शार्पनेस कितनी है, डेटा सेट्स की जो वैल्यू है वो कितना शार्प है, कितना हैवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैवली कितना भार है उसके अंदर, तो हम ये कर्टोसिस से मेजर करते हैं. लेकिन हमारी जब देखते हैं कि जब हमारी यहाँ पे जो डेटा सेट्स की वैल्यू है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट जा रही है, उससे दूर जा रही है, तो हम यहाँ पे स्क्यूनेस का यूज़ करते हैं जब इसमें हम मीन के फॉर्म में ही मेजर करते हैं कि मीन हमारा किस साइड है, नेगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड है. अगर नेगेटिव साइड है तो जो हमारा यहाँ पे जो नेगेटिव होता है तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, लेफ्ट स्क्यूनेस होती है उसके अंदर. लेकिन अगर राइट हैंड साइड पे होता है तो हमारा मीन यहाँ पे बड़ा होता है तो वो राइटली स्क्यूड होता है. ठीक है फ्रेंड्स, कुछ फॉर्मूले थे कार्ल पियर्सन ने दिए थे और फ्रेंड्स ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इस जो आपको फॉर्मूला दिया है कर्टोसिस का इसके साथ साथ जो डायग्राम है ये पूछा जाता है, ये वैल्यूज पूछी जाती है फ्रेंड्स आपके पेपर वन के साथ डील करती है, पेपर वन में आ सकता है ये क्वेश्चंस. ठीक है, क्योंकि कॉमर्स की शिफ्ट उठा के देखोगे तो कई सारे वहाँ पे क्वेश्चंस आए थे. एजुकेशन में भी एक आध क्वेश्चन आपका 2016 की शिफ्ट में आया था कर्टोसिस से रिलेटेड, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर फिर से रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही. मीन मीडियन मोड आपको निकालना आ गया है, कैसे निकालते हैं सब आ गया, सैटरडे टेंडेंसी क्या होता है ये भी समझ आ गया. तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को रजिस्टर कर सकते हो और क्वेरीज आपकी जरूर सॉल्व होगी. और आप कई सारे वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है और उनके साथ भी डिस्कशंस कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप शेयर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपनी गोल जेआरएफ को अचीव कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, कैसा लगा मेरा वीडियो यू कैन गिव मी अ फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो. टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय द डे. थैंक यू.